नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की समस्याओं को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने निकाला जुलूस, आंदोलन की दी चेतावनी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया कांवरिया पथ का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। नाथनगर में वर्षों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया डीप बोरिंग का कार्य, कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश। और नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को किया गया सम्मानित, स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर हबीबपुर में बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे कि करंट की चपेट में आने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद लोग उग्र हो गए और मुख्य सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जर्जर बिजली तार दुरुस्त करने और बिजली कर्मी को हटाने की मांग की। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बार जर्जर तार टूटकर गिरने के कारण करंट की चपेट में आने से लोग घायल हो चुके हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। कर रहा था, इतना छटपट कर रहा, हम लोग कभी ईटा उठा रहे, कभी पत्थर उठा रहे, डंटा उठा रहे, तो यूँ ना छूटा। 15 मिनट लगा छुड़ाने में, बच्चा के ना आंखों साफ फिर। अभी बच्चा इसी में है, जो किया भैया हमारा, बच्चा आएगा उसका न्यूज़ तब देखा जाएगा, तब जाकर के कुछ भी हो सकता है। इतना देर में जा करके काटी, तब जा करके लाइन किया। कॉफी वाले को 2 घंटे से बोल रहे हैं ना बंद, बता ऐसा भी कहीं होता। जो मुबारक जो लड़का है उसको कहने से, जो पब्लिक जो कहती है कि उसको ठीक करा लिए, तो वो जो है नहीं बात माना, नहीं कराने के लिए वो तैयार हुआ। अपनी तरफ से क्या पहल किए? हम अपनी तरफ से, हम एसडीओ साहब का भी बोले, एसडीओ साहब बोले कि इसको अभी इमीडिएटली उसको बदली तार करवा देंगे और जो होगा मुबारक को यहाँ से जो है ट्रांसफर भी कर देंगे। एसडीओ साहब ने हमको आश्वासन दिया, अभी इलेक्ट्रिक के एसडीओ साहब जो है आश्वासन। वहीं भागलपुर सुल्तानगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान करंट लगने से मौके पर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान शिवनंदनपुर निवासी सियाराम यादव के पुत्र सिंटू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज सीओ के नेतृत्व में शिवनंदनपुर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जेसीबी के ठोकर से बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे कि करंट की चपेट में आने से सिंटू कुमार की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद मौके से सीओ, अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल कर्मचारी फरार हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हम लोग मदलिया पावर हाउस के पास, उसके पहले जो लोग कुछ लोग नाद और खुटा गाड़ करके अतिक्रमण किए हुए थे उसको हटा रहे थे, और ये घटना जो घटी है वो उससे आगे है और दाहिने साइड है। हम लोग बाएँ साइड का अतिक्रमण हटा रहे थे और दाहिने साइड में किसी का वो घर में कुछ काम कर रहा था, उससे उसको करंट लगा था। इससे हम लोगों का कहीं कोई संबंध नहीं है, अतिक्रमण हटाने से उसका कोई संबंध नहीं। गलत आरोप लगाया जा रहा, गलत आरोप लगा रहा है। हम उतर के वहाँ जा करके देखने भी गए कि क्या हुआ। जब वो आया वहाँ पर भीड़ भाड़ लगा तो हमको लगा कि कुछ हुआ है, तो हम वहाँ जा करके देखे भी तो बताया कि नहीं, इनको करंट लग गया। तो फिर हमारे सामने में वो टेम्पो पर लोड करके उसको इलाज करवाने के लिए ले गया और हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए अतिक्रमण हटाते हुए। बाद में पता चला कि नहीं, वो एक्सपायर कर गया और जबरदस्ती वो हमारे माथे पे। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर फार्मासिस्ट की समस्या को लेकर सोमवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भागलपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने जुलूस निकाला। जुलूस में दवा व्यवसायियों ने सरकार द्वारा प्रत्येक दुकानों में फार्मासिस्ट की उपलब्धता के नियम को समाप्त करने और फार्मासिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की। दवा दुकानदार ने सरकार से फार्मासिस्ट की समस्या का अस्थायी समाधान कर फार्मासिस्ट के नाम पर विभागीय उत्पीड़न बंद करने का आग्रह किया। एसोसिएशन के नीरज कोटरीवाल ने कहा कि फार्मासिस्ट कानून में संशोधन की जरूरत है। ब्रांडेड और पैक्ड दवाएं बेची जाती है तो फार्मासिस्ट कानून जरूरत नहीं है। वहीं संगठन के सचिव प्रदीप जैन ने कहा कि दवा दुकानदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर फार्मासिस्ट समस्या का अस्थायी समाधान करने की मांग की है।
अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत 20 जुलाई से थोक विक्रेता खरीदारी बंद कर आंदोलन करेंगे और 16 अगस्त से खुदरा व्यवसायी खरीदारी बंद करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार समस्या समाधान नहीं करेगी तो 1 दिसंबर से सभी दवा व्यवसायी दुकान बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। जुलूस में एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम दास कोटरीवाल, सचिव प्रशांत ठाकुर समेत काफ़ी संख्या में दवा व्यवसायी मौजूद थे। पूरे बिहार में लगभग 40 लाख दवा दुकानदार है और बिहार सरकार के पास 15,000 फार्मासिस्ट है। 25,000 जो दवा दुकानदार बनते हैं बचे हुए, उनको सरकार ने लाइसेंस तो निर्गत कर दिया और अब सरकार बोलती है कि फार्मासिस्ट लाओ। फार्मासिस्ट हम कहाँ से पैदा करेंगे? फार्मासिस्ट तो सरकार को उपलब्ध कराना होगा। तो हमारी ये मांग है कि जब तक जो लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं उन दुकानों को चलने दिया जाए और यथास्थिति बहाल की जाए, यथास्थिति रहने दी जाए और जब सर फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे हम उनको रखेंगे। आज जिलाधिकारी के पास हम लोग एक स्मारक पत्र उनको दिए हैं। हम लोग की मुख्य मांग उनके साथ यही है कि बिहार में फार्मासिस्ट की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। 40,000 दवा दुकान है खुदरा बिहार में और सरकार के पास 5,000 से 6,000 फार्मासिस्ट हैं। बाकी के दुकान के लिए फार्मासिस्ट जो है उपलब्ध नहीं है। ये और सरकार का ये आदेश है कि हर दुकान में फार्मासिस्ट रहना चाहिए। 17 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर सोमवार को बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SP ने झारखंड बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में पड़ने वाले कांवरिया पथ पहुँचे। SP ने SDPO मदन कुमार आनंद से कई बिंदुओं पर जानकारी ली, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भागलपुर नाथनगर स्थित वार्ड 5 कुंडी टोला में डीप बोरिंग का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से बंद है, जिससे कि स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों ने बोरिंग कार्य शुरू करवाने के लिए कई बार ठेकेदार से बात की लेकिन ठेकेदार टालमटोल करता रहा। इसकी शिकायत डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और नगर विधायक अजीत शर्मा से भी की गई लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बोरिंग नहीं होने के कारण इलाके में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। 1 साल से खुदाई का काम हो रहा है लेकिन अभी तक जो है ना इसका 1 महीना 1 साल से तो चल रहा है लेकिन 1 महीना तक काम सही रूपरेखा में चला, उसके बाद यूँ बंद पड़ा हुआ है। और हमारे ठेकेदार अरुण कितना दिन से बंद था? 6 महीना से बंद है। कुछ बोरिंग हुआ है, कुछ अभी होना बाकी है। पिछले नौ माह से बोरिंग का कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है। यहाँ पर ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है, गड्ढा करके एक बोरिंग करके छोड़ दिया, उसके बाद उसको भर करके फिर दूसरे जगह किया जा रहा है। लेकिन विगत 1 माह से यह कार्य को ठप कर दिया गया है। हम लोग विधायक साहब के यहाँ भी गए हुए थे और नगर आयुक्त के पास भी मिलने के लिए गए थे, हरे राम बाबू के पास भी मिलने के लिए गए, यहाँ तक कि ठेकेदार साहब के पास भी मिलने के लिए गए। कोई हम लोगों का यह समस्या को सॉल्व नहीं कर सका है। हम लोग जब विधायक साहब के पास गए थे तो विधायक साहब का PA साहब फ़ोन किए इनको हरे राम बाबू को, हरे राम बाबू के पास हम लोग मिले जा करके, उन्होंने अरुण यादव को फ़ोन करके कहा कि आप इसका जल्दी से समस्या का समाधान कीजिए। भारत में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों के अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजिकल सेंटर पर डॉक्टरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर भागलपुर में कई जगहों पर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया और लोगों ने डॉक्टरों के योगदान को याद किया। डॉक्टर्स डे को लेकर शहर के डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान और डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने कहा कि यह दिन स्वास्थ्य समाज विकसित करने का संदेश देता है। देखिए, डॉक्टर इस समाज का एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है। इसका इम्पोर्टेंस जताने के लिए ये शायद डॉक्टर्स डे रखा गया। मेरा ये कहना है कि ये डे को इम्पॉर्टेंस समझ समाज में लोगों को मैं ये इम्पोर्टेंस समझने के लिए बहुत एक
और उससे प्रेरणा लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का ये आज का दिन है। डॉक्टर अगर अपनी रात हराम करता है या डॉक्टर किसी काम का मेहनत करता है तो उन सब के पीछे पैसा कमाना ही नहीं बल्कि देश की और समाज की सेवा मेन उद्देश्य होता है। पहले तो सिल्क टीवी के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज डॉक्टर्स डे के दिन जो है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन बने और डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो। कई बार देखा गया कि कम्युनिकेशन गैप होने के कारण बहुत सारी भ्रांतियाँ डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच होती है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बने, पेशेंट्स जागरूक हों और वो सजग हों अपनी बीमारियों को लेकर के, टाइम पे दिखाएं, पायरिया का रोग हो या दांत का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेसिकली पेशेंट को जागरूक होना चाहिए, टाइम से दिखाएं तो उनकी परेशानी भी घटेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भीषण गर्मी में पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने सोमवार को भागलपुर बाल्टी कारखाना चौक को जाम कर आगजनी करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से बोरिंग का मोटर ठीक कराने के लिए कई बार निगम कार्यालय में शिकायत की गई लेकिन अब तक मोटर ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण इलाके में जल संकट गहरा गया है और लोगों को पीने के पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है और दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो रही है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को जन संसद की ओर से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कर रहे जन संसद के अध्यक्ष राजकुमार निराला ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोग प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। राजकुमार ने कहा कि जन संसद के माध्यम से गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर संयोजक अजीत कुमार यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जो आम लोग हैं उनको कई सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया की जानकारी नहीं रहती है, कई बार क्या होता है कि इनकी जो पहुंच है वह जो संबंधित तो ऑफिस है, विभाग है, वहां तक नहीं हो पाती है शिक्षा के अभाव के कारण। एक उद्देश्य तो यह है। दूसरा उद्देश्य है कि इन लोगों ने जो आवेदन दिया हुआ है वह भी किसी आवेदन के दिए हुए 7 महीना 8 महीना साल भर हो गया है लेकिन आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो पाई है। जैसे कि 10 बार पहले आवेदन, जैसे कि कई लोगों ने 10-10 बार किसी चीज़ के लिए आवेदन दिया लेकिन उस पर कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। ये कार्यक्रम है जन संसद, हमारा एक संस्था है जो हम पब्लिक के सहयोग से बनाया गया है। इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकार योजना चला रही है, जो घोषणा करती है सरकार, वो योजना आम जनता तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसका लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में हमने जब देखा प्रखंड कार्यालय में तो यहाँ स्थिति ये है कि वृद्धा पेंशन जो पहले मिलता था वो बीच में अभी फिलहाल कई माह से बंद कर दिया गया। वो वृद्ध आदमी लगातार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है।
भागलपुर जगदीशपुर बैजानी पंचायत अंतर्गत मनमोघा चक में त्रिशूल सेवा की ओर से सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार एवं डॉक्टर प्रमोद ने लोगों की स्वास्थ्य जाँच की और आवश्यक परामर्श भी दिए। ट्राइडेंट सेवा के जिला अध्यक्ष पीयूष पांडे ने कहा कि शिविर में अधिकतर लोग कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्या से ग्रसित हैं, जिसकी जांच कर संस्था की ओर से दवाई उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर कोमल समेत संस्था के सत्यम पांडे, शुभम कुमार, राज, सोमनाथ एवं काफी संख्या में लोग मौजूद थे। डिजिटल इंडिया के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को भागलपुर के प्रधान डाक में डिजिटल इंडिया के तहत रोड शो का आयोजन किया गया। डाक कर्मियों ने डिजिटल इंडिया की वर्षगांठ पर आम लोगों को आधार, पोस्ट शॉपी, IPPV, पोस्ट ऑफिस ऐप और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समेत डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी दी। कर्मियों ने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ 4 वर्षों से लोगों को मिला और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार सुमन ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत होने से लोगों को बेहतर सेवा मिली है और डिजिटली सशक्त हुए हैं। मौके पर अजय आजाद, मिनसर आलम, विनय कुमार शर्मा, अजय सिंह समेत डाक विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। डिजिटल इंडिया के तहत एक प्रोसेसन निकाले जिसमें लोगों में, पब्लिक में ये संदेश देना था कि नागरिक कैसे सशक्त होंगे डिजिटली और कैसे वह हमारी सेवा के माध्यम से सशक्त बनेंगे और प्रशासनिक भी कैसे परिवर्तन कर सकेंगे। परिवर्तन के युग में जो है, जो हम लोग संस्थागत ढांचा है, इसका संरचनात्मक परिवर्तन में तेजी से कैसे हो, इसकी जानकारी दी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक और कर्मचारी को नई व्यवस्था के तहत सेवांत लाभ की राशि रिटायरमेंट के ही दिन निर्गत की गई। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा और रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त डॉक्टर तपन कुमार घोष, डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर PN सिंह, पवन कुमार सिंह और डॉक्टर संजय कुमार सिंह को सम्मानित करते हुए सेवांत लाभ की राशि सौंपी। रजिस्ट्रार ने कहा कि जिस व्यवस्था की शुरुआत विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 जनवरी 2019 को की थी, उसके तहत सेवांत लाभ की राशि रिटायरमेंट व्यक्ति के खाते में सेवानिवृत्ति के दिन ही निर्गत की जाती है। भागलपुर प्रधान डाकघर स्थित आधार इनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर में आधार कार्ड बनवाने एवं सुधार करवाने के लिए सेंटर में काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। लंबे समय से तकनीकी खराबी के कारण प्रधान डाकघर में आधार से संबंधित कार्य बाधित था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि सभी खामियों को दूर कर लिया गया है और कई दिनों से कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रभारी ने कहा कि आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लोग प्रधान डाकघर आ सकते हैं। खराबी आ गई थी, उसे रिजोल्व कर लिया गया है, इशू को रिजोल्व कर लिया गया है पटना टीम के द्वारा और अब बिल्कुल यहाँ आधार बन रहा है और नया सुधार भी हो रहा है, जिसके लिए अपडेशन का शुल्क 50 रुपया और गांव देहात सुदूर लोगों से भी लोग आ रहे हैं और अपना आधार बनवा कर उसमें सुधार करा के जा रहे हैं। समस्या मुझे सिर्फ इतनी है कि यहाँ नेट का प्रॉब्लम, स्पीड थोड़ा कम है और कभी कभी जो है इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं आज और मैं आज ही करा लूं। बस ये थोड़ी सी प्रशासनिक हमको हेल्प चाहिए, बाद में हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अखिलेश श्रीवास्तव रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि लगभग 6 माह के कार्यकाल में प्राचार्य ने कई वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए, जो काफी सराहनीय है। मौके पर प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, प्रोफेसर SK चौधरी, उदयकांत मिश्रा समेत कई शिक्षक और अधिकारी मौजूद थे। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोदार का छात्रों ने बूके देकर स्वागत किया। इसके पूर्व डॉक्टर पोदार ने अधीनस्थ कर्मचारी और शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए। सबका वही है कि छात्र बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से क्लास अटेंड करे और उसकी परीक्षा सही ढंग से हो और उसका मूल्यांकन सही ढंग से हो। इस चीज़ पर हम ध्यान देने का
पर ये पहले भी करते रहे हैं, अभी भी आगे भी करेंगे। साथ ही साथ कॉलेज का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी नई बिल्डिंग बन रही है 10 करोड़ की लागत से, उस बिल्डिंग को शीघ्र पूरा कराना, फिर वोकेशनल बिल्डिंग जो है उसका फिर से टेंडर करके नए सिरे से उसको बनवाना और साल भर के अंदर बनवाना। 2020 का से के अंदर में हम चाहेंगे कि ये दोनों बिल्डिंग जो है चालू हो जाए। यह वोकेशनल बिल्डिंग जो नया बनाने की इच्छा है और जो 10 करोड़ की जो महिला विंग जो बन रही है उसको पूरा करने का, तो ये है। लेकिन उस सब में पढ़ाई मुख्य है, पढ़ाई क्लास बच्चे आवे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की समस्याओं को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने निकाला जुलूस, आंदोलन की दी चेतावनी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया कांवरिया पथ का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। नाथनगर में वर्षों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया डीप बोरिंग का कार्य, कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश। और नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को किया गया सम्मानित, स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने का लिया संकल्प। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।